नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर आज ईद के दूसरे रोज़ उकाड़ा का इलाका है साबरी कलोनी, जहां पर कुर्बानी के लिए लाया जाने वाला एक खूबसूरत ऊँट जो है वो लोगों की दस्तरस से डोरी तुड़वा कर भाग निकला और उसने सड़क की राह ली। ये देखिए कि ऊँट कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ भागा जा रहा है। इसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है और ये जहाज़ जो है आज उकाड़ा की सड़कों पर लैंड हुआ हुआ था और आवाम इसके पीछे थी और ऊँट को काबू करने के लिए लोग इसके पीछे पीछे थे। बिलाकर एक घंटे के बाद ऊँट को काबू कर लिया गया। ये मनाजर आप उकाड़ा के साबरी कलोनी के इलाका से देख रहे हैं, जहाँ पे कुर्बानी का ऊँट जो है वो कसाई से रस्सा तुड़वा कर जो है वो भाग निकला और भागा जा रहा है। आवाम इसके पीछे है, इसका ऊँट का मालिक जो है वो भी पीछे है, कसाई भी पीछे है और सब की दौड़ें लगवा दी इस रेगिस्तान के जहाज़ ने। ऊँट जो है बड़ा तेज़ रफ्तारी के साथ भागा जा रहा है, आप इसको देख रहे हैं, और बिलाखर जो है एक घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद ऊँट को जो है पकड़ लिया गया और बिलाखर इसको कुर्बान जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया गया। ये मनाजर हम अपने PSA डिजिटल के नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि ये कुर्बानी का ऊँट जो है ये ईद के दूसरे रोज़ आज जब इसको कुर्बानी के लिए लिटाने के लिए कोशिश की जा रही थी तो ये अपने रस्से जो है वो लोगों से तुड़वा कर भाग निकला और इसको बिलाखर जो है वो एक घंटे की जद्दोजहद के बाद इसको काबू कर लिया गया। ये आप मनाजर देख रहे हैं।